नैनीताल हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगाई रोक, 1 जुलाई से शुरू होनी थी यात्रा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.7 बताई गई भूकंप की तीव्रता। पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने को लेकर संशय बरकरार, यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं है हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट। कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया 1,01,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ के साथ ही किसानों को बड़ी राहत का ऐलान, टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल टूरिज्म को भी वित्तीय मदद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सोमवार को अपने निजी कार्यक्रम के दौरान विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन करने पहुंची। राज्यपाल के यहां पहुंचने पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया, SSP पंकज भट्ट समेत मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और विश्व शांति की कामना की। उन्होंने जिलाधिकारी और मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से मंदिर के बारे में जानकारी ली और कहा कि मंदिर को उसके वास्तविक स्वरूप में रखते हुए जहां जहां नुकसान हो रहा है वहां पुनर्निर्माण कार्य कराया जाए, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर संभव व्यवस्थाएं भी की जाएं। जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद राज्यपाल चितई मंदिर के लिए रवाना हो गई। चितई मंदिर में दर्शन करने के बाद वो राजभवन नैनीताल को वापस लौटेंगी। भाजपुर में शहीद भगत सिंह चौक पर 20 दिन से चल रहा समाजवादी पार्टी का अनशन खत्म हो गया। कार्यकर्ताओं ने कार्मिक अनशन को तहसीलदार के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि भाजपुर में 5,838 एकड़ भूमि मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले 20 दिनों से शहीद भगत सिंह चौक पर कार्मिक अनशन कर रही है। तहसीलदार ने मामले का संज्ञान लेकर मौके पर जाकर धरना स्थगित कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद यादव ने कहा कि धरना समाप्त नहीं किया गया है बल्कि धरने को स्थगित किया गया है। अगर सरकार ने भूमि पर किसानों को मालिकाना हक नहीं दिया तो जल्द ही उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जो है अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें क्योंकि इसमें जिला प्रशासन और शासन द्वारा यथाशीघ्र निर्णय लेने की सरकार गतिमान है और संभवतः यथाशीघ्र इसका निस्तारण शासन प्रशासन द्वारा नियमानुसार कर लिया जाए। धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार 20 दिन से मीडिया बंधु हमारे धरने को कवरेज कर रहे हैं और भाजपुर क्षेत्र की समस्या को उठाने का कार्य कर रहे हैं। आज भाजपुर क्षेत्र के 5,838 एकड़ भूमि के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के धरने को 20वां दिन था जिसमें गाजीपुर बॉर्डर से हमारे नेता आए श्री अवतार सिंह जी, श्री बल्ली सिंह चीमा जी भी ने समर्थन दिया था। उसके पश्चात हमारे आज भाजपुर तहसील क्षेत्र के तहसीलदार महोदय यहाँ पहुँचे, उन्होंने हमसे ज्ञापन रिसीव किया और साथ ही हमें आश्वासन दिया कि जो भाजपुर क्षेत्र की 5,838 एकड़ भूमि का मामला है शीघ्र ही प्रशासन द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और जो आदेश है उसको नष्ट करके भाजपुर की जो जमीन है उसको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये खबर भाजपुर से है जहां पर भूमि विवाद को लेकर अनशन चल रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर अनशन किया है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में मुख्य बाजार में कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने घोटाले के आरोपियों को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है, इसलिए सरकार जनता से माफी मांगे। ईश्वर सिंह बिष्ट ने कहा कि एक तरफ देश कोरोना महामारी की जंग लड़ रहा है और लोग जिंदगियां बचाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन सरकार आपदा में अवसर तलाश करते हुए लूट मचा रखी है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं लालकुआ में रेलवे प्रशासन की तरफ से कॉलोनी खाली कराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी सरकार के प्रतिनिधि लोगों को हर संभव मदद दिलाने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर मैदान में कूद गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल नगीना कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और मदद का भरोसा दिया।
दुर्गपाल ने मौके पर ही रेलवे डीआरएम उप जिलाधिकारी से मामले को लेकर फोन पर बात की, जिसके बाद डीआरएम ने विभागीय अधिकारियों को मौके पर भेजने का आश्वासन दिया। पूर्व कैबिनेट ने कहा कि रेलवे लोगों का काफी मदद कर रहा है और अगर इस तरह की कोई भी चीज सामने आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों की जमीन बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह से उनके साथ है। जो मुझे जानकारी मिली है धरना प्रदर्शन की और अखबार के माध्यम से, तो मैंने उचित समझा कि मैं जाके लोगों के बीच में बातचीत करूं। तो जो अभी मेरी लेटेस्ट बात हुई है, आज ही मेरी बात हुई है, अभी SDM से बात हुई है और तहसीलदार से बात हुई है और DRM इज्जतनगर से मेरी बात हुई पंत जी से। उन्होंने कहा मैं कल को यहाँ भेजूँगा पांडे जी को जो काठगोदाम बैठते हैं। और इससे पहले परसों मेरी जिलाधिकारी नैनीताल से भी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं SDM को निर्देश दे रहा हूँ, SDM साहब से भी बात हो गई है। तो मेरा ये मानना है सारे अधिकारियों से बात हो गई है, इससे संबंधित जो भी हैं प्रशासन के लोग, और मेरा ये मानना है बिना प्रशासन की अनुमति के रेलवे विभाग इसमें कुछ कर नहीं सकता, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो प्रशासन के संज्ञान में सारी बातें आ गई है, जिला DM साहब से लेकर, SDM साहब से लेकर, तहसीलदार मैडम से लेकर और DRM से लेकर। तो कल वो पांडे जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बातचीत करके इसका समाधान रास्ता कोई निकले, ताकि यहाँ पर स्कूल भी है, यहाँ मंदिर भी है, यहाँ पर आवासीय लोग भी हैं, बरसों से बैठे हुए हैं, सारी व्यवस्था यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या मामला है, आप जरा हमें बताइए। सर मैं आपको बताऊं, सर ये पंतनगर नगला क्षेत्र का मामला है। यहाँ एक विशेष समुदाय के लड़के के द्वारा एक हिंदू लड़की को भगाने का मामला आया है और ये है 26 जून का मामला। सर जब 26 जून को लड़की शाम तक घर पर नहीं पहुंची तो लड़की के पिताजी के द्वारा पंतनगर थाना में एक तहरीक दी गई, गुमशुदगी की, और तहरीक पर पंतनगर SO के द्वारा संज्ञान में गंभीरता से लेते हुए उनने आज दोनों को बरामद किया है और जिनको बरामद करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जो लोग रहते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना को लेकर? सर उनका कहना यह है कि हिंदू वाहिनी के कमल हिंदू वाहिनी के कमल मुनि के द्वारा आज इसका कड़ा विरोध किया गया और वो थाने में SO से जाके इस बारे घटना को गंभीरता से लेते हुए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट जल्द यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। अगस्त महीने में हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो पाएगी या नहीं, इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी ट्रस्ट की तरफ से नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। बता दें कि अभी सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए सिर्फ उन्हीं जिलों के लोगों को दर्शन करने के लिए कहा है जिन जिलों में धाम स्थापित हैं। हालांकि 11 जुलाई से सरकार इन 10 दिनों की स्थानीय यात्रा की समीक्षा के बाद ही राज्य भर के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोलने पर फैसला लेगी। हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के पास ही है और ठीक हेमकुंड साहिब के नीचे यहीं पर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी है, जहां देश विदेश से लाखों पर्यटक और श्रद्धालु हर साल आते हैं। लेकिन COVID-19 के चलते हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए खोलने में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बार हेमकुंड साहिब में बहुत ज़्यादा बर्फबारी और कोरोना के चलते स्टाफ को वहां से वापस बुलाना पड़ा था। अब अगर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट यात्रा को प्रारंभ करता है तो सभी स्टाफ को वापस बुलाना होगा। हम आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो अभी परसों ही जो राज्य सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में अन्य निर्णयों के अलावा भी जो चार धाम यात्रा को लेकर के जो निर्णय लिए गए थे कैबिनेट के फैसले के द्वारा कि जो 3 जनपद हैं चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इन जनपदों में जो चार धाम स्थापित हैं, यहाँ के जो लोकल जो स्थानीय निवासी हैं उन निवासियों के लिए चार धाम की यात्रा करने की इजाज़त दे दी गई है और इसमें शर्त के अनुसार ये रखी गई कि उनको RT-PCR और एंटीजन जो रैपिड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। और इसी के साथ जो बद्रीनाथ और चमोली के बीच में जो एक सिखों का पवित्र जो धर्मस्थल गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, लोकपाल तीर्थ जो वहाँ पर है,
उसके लिए वो अभी भी वो संशय बना हुआ है कि 1 जुलाई से तो वो संभव नहीं है, लेकिन 11 जुलाई के बाद जो सरकार ने कैबिनेट के फैसले ने जो एक निर्णय लिया है कि 10 दिनों की जो स्थानीय निवासियों की जो 4 धामों की यात्राएं होंगी, दर्शन होंगे, उसकी समीक्षा करने के बाद कैबिनेट की पुनः बैठक की जाएगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि 4 धाम यात्रा के लिए राज्य भर के जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनके लिए यात्रा खोली जाए ना खोली जाए। प्राइम टीवी के लिए चमोली से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, 1 जुलाई से कपाट खुलते हुए नजर नहीं आ रहे, आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा वहां के जो लोग हैं? जी सेवा, मैं आपको बता दूं कि जो यहां पे जो 4 धाम यात्रा है, ये मूल मुख्य रूप से जो यहां पे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी आजीविका इसी पर बहुत निर्भर रहती है। जो हजारों बेरोजगार यहाँ पे होते हैं, उनको जो यहाँ पे जो यात्रा के जो मार्ग हैं उन पर इनके होटल ढाबे तमाम तरह के जो व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं, ये इन्हीं 4 धाम यात्राओं पर, हेमकुंड साहिब की यात्राओं पर निर्भर रहती हैं। लेकिन इस बार जो हम जो यहाँ पे ताजा जो घटनाक्रम है, 1 जुलाई से भले ही राज्य सरकार ने 4 धामों की जो यात्रा है स्थानीय जिलों के लोगों के लिए तो दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन उसमें यहाँ पे जो एक जो बद्रनाथ में है, बद्रनाथ रूट पे है हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ पड़ता है, फूलों की घाटी पड़ती है, इसमें प्रतिवर्ष हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं और जो सीधे सीधे यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के व्यवसायी हैं, उनके लिए जो लाभप्रद होते हैं। किंतु इस बार जो है कि जो लोग कोविड के कारण जो सरकार ने सीमित संख्या में जो 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के लोगों को 4 धाम की यात्रा की जो दर्शन के लिए जो अनुमति दी है, और इस कारण से जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, वो कमेटी बिल्कुल भी हेमकुंड साहिब को अभी लोगों के दर्शन के लिए खोलने के लिए नहीं दिखाई दे रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि हेमकुंड साहिब में देश विदेश से तमाम जो हमारे सिख बंधु हैं वो तीर्थ यात्री आते हैं, फूलों की घाटी में भी देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं, जल्द खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र, और तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा का आगाज होने वाला है, लेकिन सिखों के प्रमुख धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट भी अभी जल्दबाजी में यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं है, जिसके चलते अब अगस्त माह तक ही हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी होने के बाद ही कपाट खुलने को लेकर फैसला लिया जाएगा। गढ़वाल जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने भ्रमण निरीक्षण कार्यक्रम जारी रखते हुए ग्राम सभा असगढ़ में दौरा किया, जहां उन्होंने उपस्थित अधिकारी और ग्रामीणों की मौजूदगी में लालटेन के सहारे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने गांव में हुए बेहतर कार्य पर ग्रामीणों की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य गाँव के लोगों को भी इसी तरह से विकास कार्यों में भागीदारी करनी चाहिए। इससे पहले जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने कलजी खाल विकासखंड के भूंगा गांव का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत गांव में हो रहे कार्यों की जानकारी ग्रामीणों से ली। उन्होंने ग्रामीणों को कहा कि अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे गांव में जल्द से जल्द पानी आ सके। तो गढ़वाल में ये आप देख सकते हैं, जहां पर जिलाधिकारी स्वयं गांव में पहुंचे और वहां पर विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही साथ जो वहां के ग्रामीण हैं, जो वहाँ पर निवास करते हैं, उनसे सभी अधिकारियों का समर्थन और उनका साथ देने की बात भी कही, क्योंकि अगर प्रशासन का साथ नहीं दिया जाएगा तो विकास कार्य गांव तक नहीं पहुँच पाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेन सिंह सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेन, क्या कुछ अपडेट है? जी, अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि जिलाधिकारी अपने एक दिवसीय क्षेत्र भ्रमण कर गाँव में ग्राम मलेठा में पहुंचे, वहाँ उन्होंने जल मिशन के तहत उसकी जानकारी ली। उसके बाद देर रात वहाँ कलजी खाल विकास खंड के असगढ़ गांव में के जहाँ गांव में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर बड़े उत्साहित हुए। उसके बाद तत्पश्चात उन्होंने विकास कार्यों की जानकारी ली, निरीक्षण कर लालटेन से निरीक्षण किया गया और गांव में जो विकास कार्य हुए हैं उसे देख कर वह बड़े उत्साहित हुए हैं और गांव वालों को उन्होंने वो दी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
दिल्ली से देहरादून तक बने नेशनल हाईवे पर लगातार लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परिवहन विभाग और नेशनल हाईवे के आला अधिकारियों के साथ हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड के नासन बॉर्डर तक एक्सीडेंटल जोन के ब्लैक स्पॉट का दौरा किया। हरिद्वार SSP ने बताया कि परिवहन विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग और नेशनल हाईवे से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण करने के बाद सभी विभाग के अधिकारी नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट को कैसे कम करें इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इंतजार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंतजार, ये क्या कुछ तस्वीर अभी तक सामने निकलकर सामने आई है, क्योंकि एक्सीडेंटल जोन है वहां पर पुलिस विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया है। मैं आपको बता दूं, जो ये जोन बनाए गए हैं ब्लैक स्पॉट जोन, इनको नाम दिया गया है। ये हरिद्वार जो नेशनल हाईवे है, जो दिल्ली से हरिद्वार के लिए जो नेशनल हाईवे बनाया गया है, जहां लोगों को एक तरफ रोड पर चलने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, एक अच्छा रोड लोगों को मिला है चलने के लिए, तो वहीं जो एक्सीडेंटल जो केस है, एक्सीडेंट की जो आशंका है वो भी बढ़ गई है। तो लोगों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई मौतें ऐसी हो जा रही हैं, तो किस तरह से इस एक्सीडेंट को, इन मौतों का जो ग्राफ है उसको कम किया जाए, इस संबंध में हरिद्वार ने इस ब्लैक स्पॉट एक्सीडेंटल जोन का जो है जगह जगह दौरा किया है। जहाँ नेशनल जो नासन बॉर्डर है, बादराबाद क्षेत्र है, भगवानपुर क्षेत्र है, जगह जगह जो SSP हरिद्वार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर और जो नेशनल हाईवे के आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे। सभी अधिकारियों ने मिलकर इन जो ब्लैक स्पॉट एक्सीडेंटल जोन है इसका निरीक्षण किया है, ताकि किस तरह से विचार विमर्श करके और एक गोष्ठी मीटिंग का आयोजन कर किस तरह सबका जो विचार में रखे जाएंगे कि किस तरह से इस ग्राफ को कम किया जाए, ताकि लोगों को जहाँ सुविधाएं मुहैया कराई गई है वहीं लोगों का जो एक्सीडेंट की जो संभावनाएं बढ़ी है वो भी कम की जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इंतजार वही हल्द्वानी में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। महज 1.5 घंटे की बारिश से शहर की सड़कों में भारी जलभराव हो गया। जलभराव से पैदल चलने और वाहन चलाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पहले नगर निगम शहर की चोक नालियों को साफ करने और जलभराव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजामों का दावा कर रहा था, लेकिन आज मानसून के दौरान हुई केवल 1.5 घंटे की बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल दी। मुखानी, लाल डांड और बरेली रोड पर भारी जलभराव देखने को मिला और कई जगह पर पानी लोगों के घरों में भी घुसता नजर आया। जलभराव की जहां तक हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से नैनीताल रोड में जलभराव की स्थिति वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही है। अत्यधिक वर्षा अगर हो जाएगी तो जलभराव होता ही है, ड्रेनेज लेकिन सिस्टम की भी दरकार है शहर को, तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी वर्तमान में उस पर उसकी कार्य योजना वर्तमान में चल रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुका है और हल्द्वानी प्रमुखता से। रुड़की जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पति ने गृह क्लेश के चलते पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद युवक ने खुद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पत्नी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि दादूबास गांव के रहने वाले रमेश और उसकी पत्नी रविवार को खेत पर काम कर रहे थे। खेत से शाम को वापस लौटने के बाद शाम को किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे, तभी रमेश ने पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद खुद जहर खा लिया। गौरतलब है कि 2011 में नरेश अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर चुका है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। समुदाय विशेष के एक युवक पर दूसरे समुदाय की युवती को भगाने का आरोप लगा है। युवती के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच के दौरान आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गुमशुदा व्यक्ति को भी युवती को बरामद कर लिया है। आरोपी युवक लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के हाथी खाना का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हिंदुत्ववादी नेता कमल मुनी के नेतृत्व में पंतनगर थाना पहुंचे दर्जनों हिंदुवादी नेताओं ने मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष मदन मोहन जोशी ने बताया कि बीते 26 जून को नगला निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए गुमशुदा युवती को लालकुआ निवासी एक विशेष समुदाय के युवक के साथ बरामद कर लिया।
हम लगातार निरंतर कहते हुए आ रहे हैं लव जिहाद के नाम से या आतताइयों के द्वारा हमारी हिंदू बहन बेटियों को भगाने का काम निरंतर चल रहा है, और जिसमें ये फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग तरीक़ों से सोशल मीडिया से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के रूप में फंसाने का काम कर रहे हैं, और हम निरंतर इस चीज़ के लिए संघर्षरत रहते हैं। और आज ऐसा ही एक प्रकरण आया लालकुआ का, एक लड़के के द्वारा, मुस्लिम लड़के के द्वारा जो है ऐसे आतताई के द्वारा हमारी हिंदू बहन को लव जिहाद के नाम से फंसाने का काम किया गया। आज उसको लेकर गए तो हमें जैसे ही पता चला, हम सभी लोग मिलकर आज पंतनगर थाने में पहुंचे, जहां से पता चला कि इनके द्वारा उनको, उनके खिलाफ कानून। ये 26 तारीख को नगला क्षेत्र में एक लड़की है जो बालिग है, वो उसकी गुमशुदगी उसके पिताजी द्वारा 26 तारीख को लिखाई गई है, थाना हजापर दर्ज की गई गुमशुदगी, और उसकी जांच सब इंस्पेक्टर विपुल जोशी को दी गई, और जिसके बाद उस लड़की को हमारे द्वारा कल बरामद कर लिया गया है। और एक संप्रदाय, दो संप्रदायों का मामला है, इसलिए जो है इसमें सतर्कता बरतते हुए उन्हें। जोशीमठ के परसारी में इन दिनों सुअरों के आतंक से लोग परेशान हैं। सुअर लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं, किसानों की खड़ी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। किसान कई बार वन विभाग को सूचना भी दे चुके हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। एक बुजुर्ग महिला वन विभाग के ऑफिस अपनी शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद बुजुर्ग महिला वहीं कार्यालय के बाहर लेट गई। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।